मांस नोचने वाले दांत, हड्डियां चबाने वाले जबड़े, जहर से भरे डंक, खाल उतार देने वाले पंजे, जानवरों की इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी है हर हद तक जाना। यहाँ होते हैं हमले, जानवर लगाते हैं घात और होता है मौत का तांडव। जिंदा रहने के लिए जानवर झुंड में शिकार करते हैं, अकेले भिड़ जाते हैं और धोखा देते हैं। पर इस सबके अलावा यहाँ जिंदा रहने का मतलब है खुद को खतरनाक बनाना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मुंह से टपकती मौत, यह जानलेवा हथियार जमीन और समुद्र के सैकड़ों छोटे मोटे जानवरों के पास पाया जाता है। जहर जलाता है, तड़पाता है और अंदर से गलाना शुरू कर देता है। इस खौफनाक हथियार को यह रूप लेने में हजारों साल लग गए। जहां एक ओर शार्क और शेर जैसे जानवर इंसानों में सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं, वहीं जहर इंसानों के लिए मौत, नुकसान और तबाही का खौफ बनकर आता है। हर साल सैकड़ों हजारों लोग जहरीले डंक की तकलीफ का सामना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे तीन जहरीले जीवों से जिनके जहरीले डंक दुनिया भर में लोगों के दिल में खौफ पैदा करते हैं। ड्रैगन, कहानियों में पाए जाने वाला सबसे विशाल राक्षस जो मौत लेकर आता है और वह बरसता है अपने मुंह से। दुनिया में केवल ऐसा एक ही जानवर है जो इतना जानलेवा है कि उसे नाम दिया जा सके ड्रैगन। छिपकलियों की बात करें तो भारी भरकम होने में कोमोडो ड्रैगन को कोई टक्कर नहीं दे सकता। सबसे बड़ा कोमोडो ड्रैगन वजन में करीब 135 किलोग्राम और लंबाई में 10 फुट तक हो सकता है। शिकार करने के लिए इस ड्रैगन ने घात लगाना सीख लिया है। इसका भूरा रंग इन्हें आराम से आइलैंड की मट्टी और भूरी घास में छिपने लायक बनाता है, जहां यह छिपकर अपने शिकार के आने का इंतजार करते हैं। घात लगाने में इन्हें एक और चीज माहिर बनाती है, वह है इनकी जीभ। यह 11 किलोमीटर दूर से शिकार को भाप लेती है और इन्हें जानलेवा जाल बिछाने के लिए काफी समय मिल जाता है। जब शिकार इनके करीब आता है तो ड्रैगन उसके शरीर पर काट लेते हैं, जिससे ड्रैगन के मुंह में मौजूद जहर शिकार के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे शिकार कुछ ही देर में पैरालाइज हो जाता है। ड्रैगन में पाए जाने वाला जहर दुनिया के सबसे जहरीले सांप इनलैंड टाइपेन से काफी मिलता जुलता है। यह जीव अपने शरीर के वजन का लगभग 80% मांस एक बार में खा सकता है। इतने ताकतवर शिकारी के पास इतना ताकतवर जहर भी मिला हुआ होता है। ब्लैक मांबा, ब्लैक मांबा नाम सुनकर ही उन लोगों के दिल में खौफ बैठ जाता है जो इसके साथ रहते हैं। पतले भूरे शरीर और चिकने शेल वाले यह सांप बेहद ही खतरनाक होते हैं। अगर कोमोडो ड्रैगन रेप्टाइल प्रजाति के सबसे भारी भरकम शिकारी हैं, तो ब्लैक मांबा अफ्रीका के सबसे जहरीले सांप होने का ताज बांध सकते हैं। इसका जहर बेहद ही जानलेवा है। इसे दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांप के रूप में जाना जाता है। जब तक ब्लैक मांबा के जहर का तोड़ नहीं निकाला गया था, तब तक इसका डंक 100% जानलेवा साबित होता था। ब्लैक मांबा के जहर से बचने का कोई तरीका नहीं था। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। यह जितने लंबे होते हैं उतने ही फुर्तीले भी होते हैं। इन्हें देखकर दिल कांप उठता है। ब्लैक मांबा का खुला मुंह देखकर ही कहा जा सकता है कि इसे यह नाम क्यों मिला। इसके मुंह के अंदर का हिस्सा पूरा काला होता है। जब यह किसी को काटता है तो इसके काटते ही शरीर में न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन शरीर में तेजी से फैलते हैं। जहर नर्वस सिस्टम पर हमला करके पैरालाइज कर देता है और सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। तो याद रखें, ब्लैक मांबा से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। डेथ स्टॉकस स्कॉर्पियन, इसके नाम से ही इसके काम का पता चलता है। यह जहरीला बिच्छू कई नामों से जाना जाता है और बहुत ही अलग अलग इलाकों में पाया भी जाता है। इस बिच्छू को रात के समय शिकार करना पसंद होता है।
दिन के समय यह जमीन के नीचे अपने बिल में रहता है। इसे लकड़ी और पत्थर के पीछे भी छिपा हुआ देखा जा सकता है। मादा बिच्छू एक बार में लगभग 82 बच्चे देती है। इसका मतलब कि इसे बहुत से जहरीले बच्चों का पेट पालना होता है। यह बिच्छू आम चीजें ही खाता है, जैसे मकड़ी, सेंटीपीड और दूसरे बिच्छू भी। यह बिल्कुल भी सोशल नहीं होते और कोमोडो ड्रैगन की तरह ही शिकार करते हैं। यह छिपकर घात लगाकर बैठते हैं। इसकी टांगों में मौजूद सेंसिटिव बालों से यह आसपास के कंपन को भाप लेता है। इसका जहर काफी खास होता है, क्योंकि इसका जहर कई तरीके के न्यूरोटॉक्सिन्स का मिश्रण है। इसका जहर काफी दर्द पैदा करता है। इसके जहर से इंसान को तेज बुखार हो सकता है, साथ ही असहनी दर्द भी। कभी कभी इसके डंक मारने से कुछ लोगों को दिल का दौरा भी आ जाता है। इसकी घात लगाने की काबिलियत और जहर अपने ही तरीके के दूसरे जीवों का शिकार करने के लिए है। यह जहर छोटे मोटे जीवों को आसानी से मार गिराता है। इसके जहर को भी दवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए परीक्षण चल रहे हैं। इसके जहर में कई तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम के इलाज की खासियत है। यह काफी गुस्सेल होता है और जरा सा भी खतरा महसूस होते ही हमला करने लगता है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 3 सबसे जहरीले किलर। आपको इनमें से कौन सा जीव ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।